यह सच ही कहा गया है, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सिवान की जानी मानी महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमती संगीता चौधरी ने। डॉक्टर श्रीमती संगीता चौधरी सिर्फ सिवान तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके प्रतिभा ने बड़े बड़े मंचों पर और बड़े बड़े क्षेत्रों में भी अपने काबिलियत का डंका बजाया है। ऐसा ही कुछ हुआ है पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में। इन्हें महिला स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञता क्षेत्र में हाल ही में इन्हें काफी प्रतिष्ठित इनाम से नवाजा गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है और हम लोग अपने तरफ से भी डॉक्टर श्रीमती संगीता चौधरी को इस सफलता प्राप्ति के लिए अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं कि ऐसे ही चिकित्सा जगत में अपने काबिलियत से अपने प्रतिभा से सिवान का नाम रोशन करती रहें और बिहार का नाम रोशन करती रहें। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि डॉक्टर श्रीमती संगीता चौधरी को कोलकाता में जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया, किस क्षेत्र में इन्हें सम्मानित होने का सौभाग्य मिला है और किस विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित था। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कि आपको कोलकाता में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। धन्यवाद, किस क्षेत्र में मिला है? धन्यवाद, लेकिन हाँ। ये बताइए आप लोगों को कैसे पता चला कि ये तो केवल डॉक्टर्स के हाँ। का ये मतलब कि विषय हाँ, हाँ। डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस है हाँ। डॉक्टर्स के ग्रुप में ही ये मैसेज गया है और कई ऐसे फेसबुक चैनल पे है, कई ऐसे चैनल पे आपके बारे में लोग कमेंट कर रहे हैं और आपका वो जो भी पोस्ट है वो शेयर कर रहे हैं, तो तमाम ऐसे चैनलों पे आपका वो पोस्टर दिखाई दे रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि हाँ सिवान की पहचान में आपका एक बड़ा ही उम्दा एक स्थान रहा है। हाँ तो धन्यवाद कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आप लोग मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, पहली बात। दूसरी बात कि ये डॉक्टर का कॉन्फ्रेंस था और जिसमें कि स्त्री एवं प्रसूति लोग का विशेषज्ञ का ऑल ओवर इंडिया में कॉन्फ्रेंस होता है हर साल, जिसको AICOG कहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी कॉन्फ्रेंस। ये हर बार अलग अलग जगह पे होता है, जैसे पिछली बार इंदौर में था, इस बार कोलकाता में था, अगले साल हैदराबाद में है। तो मैं 4 साल से इस नेशनल लेवल पे जाके मुझे निमंत्रण मिलता रहा है, मेरे ईमेल में भी आया ये निमंत्रण कि आपको फैकल्टी बनाया जा रहा है। तो इस बार भी मुझे निमंत्रण मिला तो मैं गई, मुझे वर्कशॉप में मेडिको लीगल केसेस के वर्कशॉप में डॉक्टर हितेश भट्ट का जो टॉक था उसमें चेयरपर्सन बनाया गया। और दूसरा चीज़ है कि उसके लिए मुझे फैकल्टी बनने के कारण मुझे ट्रॉफी मिली, वो ट्रॉफी वहाँ है। और दूसरा चीज़ है कि वो हमें अगला जो था फैमिली वेलफेयर, उसमें मुझे कमिटी मेंबर बनाया गया। तो ये सिवान गोपालगंज छपरा में पहला किसी डॉक्टर को मौका मिला है। उसके पहले भी फोन पर डॉक्टर ने बहुत पूछा कि आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, और मेरा जो ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह पे जो मेरा रेडियो स्नेही में जो भी टॉक या जो भी था, और जो मैं पेशेंट्स को फेसबुक पे जो जागरूक करती हूँ, जो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से लोगों को और पब्लिक को जागरूक करती हूँ, उसके लिए मुझे कमिटी मेंबर का फाइनली मुझे मौका मिल गया बनने का, जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है वो मुझे फाइनली ईश्वर की दया से मिल गया। देखिए मैं बतलाना चाहूंगा कि डॉक्टर संगीता चौधरी सिर्फ चूंकि लगातार सामाजिक क्षेत्रों में सक्रिय रही हैं, कई नामी पुरस्कारों से सम्मानित होती रही हैं और मीडिया के माध्यम से भी आप सभी देखते रहे हैं, सुनते रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण विषय है जो चिकित्सा क्षेत्र का, उस पर जो है हमेशा सक्रिय रहती हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो कि सिर्फ मेडिसिन और पेशेंट तक सीमित हैं, यानी दवा और मरीज तक सीमित हैं, लेकिन इन्होंने अपने मेडिकल धर्म को निभाते हुए
अपने कर्म को निभाते हुए समाज को भी जागरूक करने का निरंतर प्रयास किया है। यही अदा और यही काम करने का जो अंदाज है जनता को पसंद आ रही है। और सिर्फ सिवान तक ही नहीं बल्कि इनका काबिलियत का आलम यह है कि कोलकाता में भी काफी इनकी प्रशंसा हुई, इनको मनोबल को बढ़ाया गया और उस कार्यक्रम में बहुत ही इंक्वायरी करने के बाद काफी डॉक्टरों का एक लिस्ट होगा उसमें इनका नाम का चयन किया गया। यह काफी कठिन होता है। मैम पुरस्कार वितरण समारोह में पिछले बार भी कई कार्यक्रमों में आप शिरकत की और वहां सम्मानित होने का सौभाग्य मिला और एक और कीर्तिमान आपके नाम जुड़ चुका है, क्या अनुभूति हो रही है? हमेशा अच्छी अनुभूति होती है लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जैसे कि अभी मैं ट्रेन से लौटी भी नहीं थी और कमिटी मेंबर होने के कारण आज पैनल डिस्कशन है 8 बजे से, जिसमें पूना के डॉक्टर जो चेयरपर्सन है फैमिली वेलफेयर कमिटी का, जिनका काम है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है भारत में खासकर बिहार और यूपी जैसे शहरों में, तो वहाँ पर के लोगों को जागरूक किया जाए। और अभी तक 5000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, मैंने डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर किया है वो लिंक को, जिनको भी देखना होगा वो 8 बजे रात का, आज का 11 दिसंबर का 8 बजे रात से 10 बजे रात तक ये टॉपिक पे डिस्कशन होगा कि शुगर की अगर कोई महिला है और वो गर्भ निरोधक चाहती हैं तो कौन सा दवा उनको कितना साइड इफेक्ट कर सकता है, कौन कितना सेफ है, और अगर उनको हाइपरटेंशन है, अगर वो कम एज की लड़की है, कॉलेज गोइंग गर्ल भी है और अभी बच्चा नहीं चाहती है, न्यूली मैरिड है, बच्चा नहीं चाहती है, तो उसको क्या दवा लेना चाहिए, और कोई लंबा समय तक बच्चे के बीच में अंतराल रखना चाहती है तो उसको क्या दवा लेना चाहिए, और अगर कोई महिला जिनका माहवारी छूटने वाला है, जिनको मासिक का प्रॉब्लम भी आ रहा है, फिर भी गर्भ निरोधन कभी भी उसको डर है कि इस उम्र में जब महीना छूटने वाला है, जब बेटी पतोह को बच्चा हो रहा है, उस बीच में कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए और एबॉर्शन ना कराना पड़े, तो इसके लिए अगर वो गर्भ निरोधन के लिए हमारे पास आती है तो हमारे पास क्या उपाय है, क्या हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि जो उनका हार्मोनल प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाए, और जो उनका ये है तो उनके लिए सबसे सुटेबल क्या होगा, इस विषय पे आज सारे ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर्स जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर हैं वो सब आज हम लोग जूम पे मीटिंग करके करेंगे। और जो व्यूअर्स हैं वो व्यूअर्स तो हमारे जनरली डॉक्टर्स ही होते हैं, जिनको डे टू डे प्रैक्टिस में अपने अपने क्षेत्र में जिनको मौका नहीं मिला है पैनलिस्ट बनने का या मेंबर बनने का मेरी तरफ, तो वो देख सकते हैं और वो सीख सकते हैं हम लोगों के डिस्कशन से कि ये डिस्कशन से कि कौन सा दवाई किसको देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, मतलब गर्भ निरोधन किस में, यंग एज में, थोड़ा एजेड में, जिनको 2 बच्चे हैं उनमें, जिनको कम अंतराल रखना है तुरंत, फिर पति अभी 1 महीना के लिए आया है तो उसको, या फिर इमरजेंसी में कोई कॉन्डोम फट गया है या फिर बैरियर मेथड नहीं यूज कर रहे हैं और उनको इमरजेंसी में कोई पिल्स खानी है या इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है, तो उन सब को बारे में आज डिस्कशन होगा। तो 8 बजे जितने भी डॉक्टर हैं जो इस गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इस चैनल के माध्यम से आपके माध्यम से अगर देख पा रहे हैं तो उनको बिल्कुल, वो ये लिंक बहुत दिनों तक रहेगा, आप प्रवाह करके ये जो है सीरीज है डॉक्टर सुनीता तेंडुलवालकर ने स्टार्ट किया था और डॉक्टर आशीष काले और डॉक्टर अश्विन काले जो है, डॉक्टर आशीष काले चेयरपर्सन है फैमिली वेलफेयर कमेटी के, वो आज हमारे मॉडरेटर हैं, डॉक्टर सुनीता मैम का भी टॉक है और एक इंटरनेशनल फैकल्टी का टॉक है, उसके बाद हम लोगों का पैनल डिस्कशन है। जनरली ये हम लोग रात में ही रखते हैं, अगर इंडियन डॉक्टर्स के साथ पैनल डिस्कशन होता है तो जनरली सारा मरीज खत्म हो जाए तो सारे डॉक्टर्स फ्री हो जाए, पेशेंट्स अपने अपने घर चले जाए, तो ये टॉक जनरली नाइट में होता है। लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल फैकल्टी है और वो डॉक्टर जो है वो अगर नाइट में इंडियन टाइम के अनुसार नहीं रेडी हो सकता है और उसका वर्किंग टाइम शुरू हो जाता है, वहाँ पे भीड़ शुरू हो जाती है उनके हॉस्पिटल में,
तो वो उस टाइम हम लोग 3 बजे भोर से भी ये सब स्टार्ट करते हैं। वो डॉक्टर अश्विन काले को तो मैंने देखा है कि फेसबुक पे उन्होंने 3 बजे के पहले 2:50 तो बोला आई विल बी फेसबुक लाइव ऑन 2:50 एट 3 AM। तो 3 बजे भोर में वो उस टाइम लाइव हुए थे, तो उस टाइम मैं कमेटी मेंबर नहीं थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 3 बजे भोर में क्यों जग के करना है, जब कोई नींद भी तो पूरी होनी चाहिए आपका। तो कहीं ना कहीं मैम आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है अब। हाँ, अब पेशेंट देखने के साथ और नेशनल लेवल पे अपना पहचान बनाने के साथ साथ जिम्मेदारियां दिया गया है। हाँ, और इस एरिया में बहुत सारे काम भी करने हैं। अभी हम लोगों को सर्वाइकल स्क्रीनिंग कैंसर के लिए करना है, बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है वो मार्च के महीने में कैंसर करना है। और अभी चूंकि कमेटी मेंबर बन गई हूँ मैं, तो अभी 15 तारीख को हम लोग को मॉड्यूल 3 मिला है जो हम लोगों को फिनिश करना है। तो अभी मैं कलकत्ता में ही थी और हम लोग को होमवर्क मिलना शुरू हो गया था कि आपको इतना तारीख को ये करना है, ये करना है, और मुझे अभी पढ़ना भी था उस टॉपिक के लिए। तो बतलाते चले हैं कि डॉक्टर संगीता चौधरी को कई प्रतिष्ठित मीडिया समूह के द्वारा भी चिकित्सा जगत में और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र मेडल मोमेंटो दे करके सम्मानित होने का सौभाग्य मिलता रहा है। और मैडम ने बताया कि पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ साथ सामाजिक दायित्व भी बनता है, जिसका बखूबी मैं निर्वहन करती हूँ। और इस तरह के कार्य में जब हम वहां पहुंचते हैं तो बहुत सारे जो विद्वान डॉक्टर्स होते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। कुछ लेटेस्ट जो विषय है उस पर भी मंत्रणा करने का, विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिलता है। और साथ ही साथ जो पेशेंट है उनके बीच में जब हम काम करते हैं तो उन तमाम विद्वता रखने वाले चिकित्सकों का और चिकित्सा जगत के महारथियों से सुझाव परामर्श मिलता है, जिससे ज्ञानवर्धन होता है। मैम, अब थोड़ा सा हम लोग जो मोमेंटो आपको मिला है कोलकाता में या जो पुरस्कार से आपको नवाजा गया है, जरा उसके बारे में बताएं। जी, थोड़ा सा तस्वीर दिखा दो। ये मुझे यहाँ पे लिखा हुआ AICOG 2023। हाँ, थोड़ा सा विस्तार से दिखाइए। जी, तो ये फैकल्टी बनने के लिए ट्रॉफी मिली है मुझे। जी जी, तो आप तस्वीरों के माध्यम से मिला है मुझे फैकल्टी बनने के लिए। जी, आप देख रहे हैं डॉक्टर संगीता चौधरी को। 4 जनवरी को मिला मुझे। जी जी, और इसकी तस्वीरें लेने वाला हुआ तो बहुत कोई नहीं था, पर ग्रुप में उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो 2-4 तस्वीरें शेयर हुई वो उसमें से मैंने 1-2 फोटो लिया है। जी जी, और ये मुझे जी 5 जनवरी के दोपहर में थोड़ा सा ये मिला है, फैमिली वेलफेयर कमिटी मेंबर का। जी जी, ये हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर ही ऋषिकेश पई, ये डॉक्टर माधुरी पटेल सेक्रेटरी जनरल हैं, ये डॉक्टर यशोधरा प्रदीप हैं, और ये हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर आशीष काले हैं। इनके अंडर में हम लोगों को काम करना है। अभी डॉक्टर आशीष काले चूंकि प्रेसिडेंट सब काम नहीं कर सकता है तो हर स्टेज पे है, तो अभी चेयरपर्सन डॉक्टर आशीष काले हैं। हम लोगों का कार्यकाल 2 साल का होगा, जो हम लोगों को ऑल इंडिया लेवल पे काम करना होगा। और अगले साल जो कॉन्फ्रेंस है 2024 में हैदराबाद में, वहाँ पे हमें अपना काम दिखाना होगा कि हमने पूरे साल क्या काम किया सोसाइटी के लिए। अपने लिए तो सब करते हैं, सोसाइटी के लिए। देखिए, बहुत सारी बेटियां हैं जो ऊंची उड़ान भरना चाहती हैं और अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहती हैं। बहुत सारी बेटियां हैं जिनको सही अवसर और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो अपने अरमान को परवान नहीं चढ़ा पाती हैं, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती हैं और उनका सपना अधूरा रह जाता है। ऐसे में डॉक्टर संगीता चौधरी जैसे चिकित्सकों के सुझाव, परामर्श, मार्गदर्शन से उनके अंदर नई चेतना जगेगी और कुछ नया करने की अभिलाषा जगेगी। साथ ही साथ जो सामाजिक और पारिवारिक दायित्व है उसका निर्वहन करने का गुण भी वो सीखेंगे। तो ऐसे चिकित्सकों के कार्य कुशलता, उनके विद्वता और प्रतिभा से सिर्फ जिला ही रोशन नहीं होता है, बल्कि माता पिता के साथ साथ राष्ट्र का, राज्य का, समाज का नाम रोशन होता है। तो मैं ऐसा ही मंगल कामना करता हूं कि नित्य दिन डॉक्टर संगीता चौधरी अपने काबिलियत से, अपने प्रतिभा से और मेडिकल ज्ञान से लोगों को लाभान्वित करती रहें और ऊंची मुकाम हासिल करें। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, थैंक यू। आप सबों का भी धन्यवाद इस ठंडी में आप लोग आके इतना देर इंतजार किए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया।